भदरवा में जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए इस वक्त का सबसे जरूरी मुद्दा है साफ सफाई का। भदरवा के वार्ड नंबर 6 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के ही 6-6 बराबर के उम्मीदवार हैं। ऐसे में लोगों ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद उनके लिए वही उम्मीदवार जरूरी रहेगा जो उनके वार्ड की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। मैं वार्ड नंबर 6 से यहां बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ इस वार्ड के अंदर जो एक बहुत बड़ी एक नहर 25 साल पहले बनाई गई है, लेकिन उसके बाद जो ना इसका कुछ रिपेयर हुआ, बल्कि इसके अंदर जितना भी ऊपर से नाले का कितना भी गंद आ जाता है वो पूरे नाले के अंदर जो है डिपॉजिट हो चुका है। बल्कि हमारे यहाँ साथ में हमारे मंदिर हैं, मस्जिद है, तो इनके साथ साथ ये नाला गुजर रहा है और ये नाला जो है पूरा गंद से भरा हुआ। आपने खुद इसकी हालात देखी कि गर्मियों के मौसम में इतनी बदबू इस यहाँ से उठती है तो पूरे महल्ले को, पूरे हमारे वार्ड को खतरा हो जाता है। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग जो बीमार होते हैं उनके लिए परेशानी बन चुकी है। तो इस वक्त जो है पेंडेमिक चल रहा है, इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है, आप देखें कि कितनी गंदगी है और कितना नुकसान हो सकता है। हम आने वाले जितने भी वार्ड मेंबर्स होंगे, जो भी जिम्मेवार होगा इस वार्ड का, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले इसी नाले का कुछ करें, इसकी सफाई करें, ताकि जितना भी वार्ड है, जितना भी यहाँ पर इलाका है वो बीमारियों से बच जाए। हमने कई बार किया और कई जो है म्यूनसिपलिटी वाले जो हैं वो तो बेसिकली ये जो नाला है ये किसी और डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है, ये सेंट्रल कोई डिपार्टमेंट है उसके अंडर आ जाता है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी, बहुत दफ़ा उन्होंने इसकी सफाई भी करी, तो लेकिन इतना मलबा इसके अंदर पड़ा हुआ है तो सारे का सारा मलबा जो है 10-20 लोग जो है इस मलबे को साफ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। और मेरे पीछे जो है ये मंजर, ये एक ड्रेन है, ये यहाँ पे नाला है जो नाला कूड़ेदान की शक्ल में तब्दील हो चुका है। ये पिछले 20-25 सालों से हम देखते आ रहे हैं हमारे महल्ले के अंदर, इसमें इतना कूड़ा भर चुका है कि इसमें पानी को चलने की जगह नहीं है और यहाँ पे लोगों को आना जाना मुहाल हो चुका है। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, नए लोग आते हैं, पुराने चेहरे हटते हैं, लेकिन चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो या चाहे इंतजामिया की बात हो, कितने भी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ की तरफ गौर नहीं करता, जिस चीज़ की बहुत हम लोगों को बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। बहुत अफसोस कुन बात यही है कि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो वही उम्मीद के साथ हम लोग फिर एक बार, फिर अब आई इलेक्शन हैं हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 6 के यूएलबी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उम्मीद यही है हम लोगों को कि अभी नया जो भी नुमाइंदा चुन के आएगा इस वार्ड नंबर 6 में, तो शायद उसको सबसे पहले ये नाला दिखे और इधर गंदगी दिखे और यहाँ पे लोग रहने वाले लोगों की जो है मुश्किलात दिखें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे मुखातिब हुए हैं और आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं इंतजामिया को कि खुदारा थोड़ा सारा इंसाफ करिए, इस गंदगी की तरफ भी देखिए और इस सब इस मंजर की तरफ देखिए और नजात, मेहरबानी करके नजात दिलाएं लोगों को इस बुरी हालत से।